आप सबसे जो बातचीत हुई, सबने अपने अनुभव सुनाए, जो चर्चा हुई, इस सबसे बहुत ही हमको भी प्रेरणा मिली, एक दूसरे को प्रेरणा मिली है। तो यही जो उद्देश्य था वो तो जिसे हम कहते हैं कि वो सफल है। सवाल हमारे सामने जो बुनियादी है कि जैसे कल मैंने विनोबा जी की बात बताई कि ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों की ज़रूरत है। कर्म हम करते हैं लेकिन ज्ञान की भी कमी है, ज्ञान प्राप्ति में ज़्यादा ध्यान नहीं और भक्ति की तरफ भी बहुत ध्यान नहीं। भक्ति के ये मानी ये है कि जो हम काम कर रहे हैं ये भगवान की पूजा कर रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज़ इसके दौरान बताऊंगी कि आध्यात्मिक साधना सभी धर्मगुरुओं ने, महापुरुषों ने, संतों ने, सूफियों ने दी है, लेकिन गांधी विनोबा की आध्यात्मिक साधना की कोई विशेषता है। इस विशेषता को ध्यान करते, उस पर ध्यान देते हुए हमारे अपने सभी कार्य होने चाहिए। तो वो उनके मार्ग की विशेषता की बात कहने से पहले कैन यू फॉलो, मैं कुछ वैचारिक थोड़ी सी बातें आपके सामने रखना चाहती हूँ। ये जो शब्द है सर्वोदय, सबका उदय, सबकी भलाई, सबका कल्याण, हम बोल तो लेते हैं लेकिन इसके पीछे बहुत गहरा दर्शन है। वो दर्शन जो है जिस गांधी जी और उस पर विनोबा जी ने और प्रकाश डाला है कि इसके मूल में जो चीज़ है कि ये विश्व में जो कुछ है, ईशावास्यमिदं सर्वम, ये सब हम सब इससे जुड़े हुए हैं, हम अलग नहीं है। नदी है, पेड़ है, पहाड़ है, इंसान है, पशु है, पक्षी है, आकाश है, सूरज है, चांद है, सितारे हैं, हम सब जुड़े हैं एक दूसरे से। विज्ञान आजकल यही बता रहा है, दार्शनिकों ने बहुत पहले ये बात कही थी। इसलिए अगर हम अपनी भलाई चाहते हैं तो सबकी भलाई करनी पड़ेगी। सबकी भलाई में अपनी भी भलाई है और अपनी भलाई सच्ची अगर है तो वो सबकी भलाई में संभव है। इसलिए सबकी भलाई की बात ही आरंभ से अंत तक सोचनी होगी। अब इसमें जो सबकी भलाई कहने के लिए बहुत आसान है, सबकी भलाई यानी किसकी भलाई, न इसमें जातिवाद चल सकता है, न इसमें धर्मवाद चल सकता है, न इसमें भाषावाद चल सकता है, न इसमें देशवाद चल, क्या कहते हैं उसको, राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद चल सकता है, न इसमें वंशवाद चल सकता है, न इसमें वर्णवाद चल सकता है, कोई भेद नहीं, अपने आप सारे भेद ध्वस्त हो जाते हैं। इसलिए जब हम सर्वोदय शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें समस्त मानवता तो हमारी अपनी बन ही जाती है लेकिन पशु पक्षी पेड़ पौधे सब हम सब में है, सब हम में है। इसलिए ये पूर्ण जिसे हम कहेंगे सर्वोदय यानी सबके कल्याण की बात सोचनी है, निरंतर सोचनी है, करनी है। इसमें एक बाबा ने विशेष बात बताई थी, ऐसा है कि गांधी जी कहते थे कि वो सूत्र देते थे और विनोबा जी उस पर भाष्य करते थे। तो ये जो गांधी जी का सर्वोदय का सूत्र है इस पर बाबा ने एक भाष्य किया कि मार्क्सवाद का जो बुनियादी सिद्धांत है, वर्ग दो अलग वर्ग है, एक गरीब एक धनी, हैव्स एंड हैव नॉट्स, है वाले और नहीं वाले,
है वाले वो जिनके पास है, धन है, संपत्ति है, जमीन है, बुद्धि है, मकान है, कुछ है, और नहीं वाले वो गरीब जिनके पास कुछ नहीं। ये दो वर्ग है, ये मार्क्सवाद का सिद्धांत है। दो वर्गों में संघर्ष होगा और अंत में इस संघर्ष में नहीं वाले जो है हैव नॉट्स, इनकी जीत होगी, क्रांति होगी। ये एक विचार है, दर्शन है। इस दर्शन का भी पूरा अध्ययन करना चाहिए। इसमें बाबा ने जो भी एक विशेष बात कही है जिस पर हम लोग भी ध्यान कम देते हैं, वो कहते हैं कि दुनिया में हैव नॉट कोई नहीं है, सब हैव्स है, ऑल आर हैव्स, देयर इज नो हैव नॉट, सब है वाले हैं, नहीं वाला कोई नहीं। इस पर बाबा ने बड़ा सुंदर भाष्य किया कि लोग पूछेंगे, एक आदमी है जिसके पास जमीन नहीं, संपत्ति नहीं, बुद्धि नहीं, अब वो बिस्तर पर पड़ा है, मरने वाला है, उसके पास क्या है? सर्वोदय के सिद्धांत के अनुसार सब है वाले हैं, और जिसके पास जो है उसका वो मालिक नहीं, ट्रस्टी है। ये दूसरा सिद्धांत, नो वन इज एन ओनर ऑफ एनीथिंग, यू आर ट्रस्टीज, आपके पास वो चीज़ है लेकिन आप मालिक नहीं है। मालिक नहीं इसलिए इसका इस्तेमाल कैसे करना, बांट के खाना, आप मालिक नहीं है। इसी में से ये चीज़ बनती है कि आप ट्रस्टी हैं, तो ट्रस्टी में से फिर सारा भूदान यज्ञ निकला है। लेकिन जो भी पहले सवाल आया था कि एक आदमी है जिसके पास कुछ नहीं है, तो वो क्या दे सकता है दुनिया को? तो विनोबा जी ने कहा कि उसके पास उसका लड़का आया, अब वो मरने जा रहा है, उसके पास कुछ नहीं है। वो लड़के की तरफ देखता है, उसको आशीर्वाद देता है, प्रेम देता है, और थोड़ी देर बाद मर जाता है। तो उसने बहुत बड़ी चीज़ दे दी, आशीर्वाद दिया, प्रेम दिया। तो हर एक के पास कुछ न कुछ है, और कुछ नहीं तो कम से कम प्रेम तो है ही, आशीर्वाद देने की शक्ति तो है, बहुत कुछ दे सकते हैं। इसलिए दुनिया में हैव नॉट कोई नहीं, नो वन इज हैव नॉट, ये पहले समझिए। और जिसके पास जो है वो बांट के खाना है, क्योंकि हम मालिक नहीं। अब इस ये सर्वोदय का बुनियादी दर्शन है जिसकी तरफ हम लोग ध्यान कम देते हैं। हमको कोई बहुत लड़ाई नहीं करनी है मार्क्सिस्ट से, पर चर्चा तो ज़रूर करनी है इस पर। ये इस बुनियादी बात से जब हम आगे बढ़ते हैं तो गांधी विनोबा का जो अध्यात्म है, उस अध्यात्म की कई विशेषताएं हैं। वो औरों के अध्यात्म से इसमें कई चीज़ें अधिक आई हैं। इसका कोई फिर एक बात, इसमें कोई गर्व करने की, अभिमान रखने की, हम ऊंचे हैं, ऐसा सब करने की कोई ज़रूरत नहीं, पर जानने की ज़रूरत है। पहली जो बात शंकराचार्य ने जो अद्वैत की बात कही थी कि दुनिया में दो कुछ है ही नहीं, सब एक ही है, एकम सब, तो इस अद्वैत को गांधी जी ने जीवन में उतारा। बाबा, मैं सब बाबा की बातें बता रही हूँ, दस हर बात नाम लेना ही चाहिए, नहीं लेना चाहिए, एक ही बात है कि हमेशा मानव जब से आया है दो धाराएं आई है। पहली धारा एक आध्यात्मिक मनुष्य को जिज्ञासा हो, कुछ साधना करे, तपस्या करे, भगवान के दर्शन करे, आत्मज्ञान प्राप्त करे, एक धारा। दूसरी धारा समाज को बदले, समाज में जो विषमता है, अन्याय है, अत्याचार है, इसको मिटाए,
दूसरी धारा क्रांति की धारा, एक आध्यात्मिक साधना की धारा, एक क्रांति की धारा, और हमेशा दो अलग चलती रही है। मानव की दो अलग प्रवृत्तियां हैं तो दो अलग धाराएं चली। ये गांधी जैसी, ये शंकराचार्य भी इसको नहीं मिटा सके दो अलग धारा को। वो कहते थे आध्यात्मिक साधना करो, ठीक है, लेकिन संसार के इतिहास में पहला महापुरुष आया महात्मा गांधी, जिसने आध्यात्मिक साधना और सामाजिक क्रांति दोनों को जोड़ दिया। दोनों धाराओं का, गंगा यमुना का संगम उनके विचार में हुआ। इसलिए गांधी विचार सबसे बड़ा प्रयागराज है। आज तक मानव इतिहास में ये धाराएं मिटी नहीं थी, अलग थी वो। इसलिए आप देखेंगे क्रांतिकारी अलग होते थे, आध्यात्मिक साधक अलग होते। गांधी जी ने ऐसा कर दिया कि तुमको साधना करनी है, आओ झाड़ू लो और सफाई करो। कोई कहता था क्रांति करनी है, अच्छा आश्रम में आओ, सर्वधर्म प्रार्थना में बैठो, इससे क्रांति होगी। सेवा करो, उससे क्रांति होगी। तो सेवा एक उन्होंने ऐसा सेतु बनाया कि जिसमें आध्यात्मिक साधना और सामाजिक क्रांति दोनों को जोड़ दिया। ऐसा अद्भुत सेवा का सेतु गांधी जी ने बनाया। और हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए काम करना है, जेल भी जाना होगा, प्रार्थना भी करनी होगी, झाड़ू भी लगाना होगा, श्रम भी करना होगा, सब करना होगा। तो जीवन की हर चीज़ को उन्होंने सेवामय बनाने का जो एक मार्ग दिया, जिसमें क्रांति भी निहित है और साधना भी निहित है, दो अलग नहीं है। ये इतनी अद्भुत देन है महात्मा गांधी की, जिसकी तरफ लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए जो काम हम करने जा रहे हैं वो सेवा का काम है, कर्म सेवा का है, लेकिन उसमें साधना भी है, उसमें क्रांति भी है। और अगर दोनों, इसका हमेशा बीच बीच में आपस में देखना पड़ेगा कि हम जो काम कर रहे हैं इससे साधना हो रही है कि नहीं। साधना यानी हमारा अपना चित्त शुद्ध हो रहा है या नहीं, और लक्ष्य क्या है, शून्य बनना। हे प्रभु, तू तभी मदद के लिए आता है जब मनुष्य शून्य बनकर तेरी शरण में आता है, जो प्रार्थना ऐसे होती है। तो लक्ष्य है, उद्देश्य है शून्य, और शून्य में अद्भुत शक्ति है। ये आप लोगों को लगता है क्या है शून्यता का, अरे शून्यता में इतनी शक्ति है, सारा विज्ञान शून्य पर आधारित है। अगर शून्य की खोज नहीं होती गणित में तो विज्ञान बढ़ ही नहीं सकता। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 शून्य नहीं था पहले। ये रोमन जो आंकड़े है ना, वो आप देख रहे हैं, तो कितने लंबे लिखेंगे आप, कि कोई सीमा ही नहीं। जहाँ शून्य आ गया एकदम क्रांति हो गई। विज्ञान की क्रांति शून्य पर निर्भर है, और शून्य की खोज भारत में हुई। छोटी बात नहीं, इस अभिमान करने की बात नहीं है, गर्व करने की बात नहीं है, अरे शून्य बनना है। जिस शून्य की खोज भारत ने की, उस शून्य को हम अपने जीवन का लक्ष्य बनाए। तो और शून्य में ये शक्ति होती है। अब मैं बहुत ज्यादा दर्शन में और विज्ञान में नहीं जाना चाहती, लेकिन खाली इशारा करती हूँ। एनर्जी, ऊर्जा की समस्या है, बिजली भी सीमित, कितनी करेंगे, कोयला सीमित, पेट्रोल सीमित, बड़ी समस्या है ऊर्जा की कि तो कम करो खर्चा, ठीक है। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर आप एब्सोल्यूट जीरो एक अवस्था होती है, मतलब
टेम्परेचर कम 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 करते 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 जिसे कहते हैं एकदम एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं, उस तक अगर पहुंच पाए तो अगर एक गाड़ी एब्सोल्यूट जीरो के टेम्परेचर में चलने लगेगी तो अनादि अनंत काल तक चलती रहेगी। ये एब्सोल्यूट जीरो में शक्ति है, ये सब विज्ञान की बात है, पर ये ठीक लागू होती है। हम अगर शून्य बनेंगे तो अपार ऊर्जा, क्या कहते हैं, वी विल बी द स्टोर हाउस ऑफ अनलिमिटेड एनर्जी, इनफिनिट अपार ऊर्जा शून्य बनने से। ये शून्य हम नहीं है, कौन बाधा देता है? अहंकार, ये मैं डुबा देता है। तो ये जो अहंकार है ये खत्म होते 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 अगर शून्य बनेगा तो फिर कुछ करना ही नहीं है। फिर तो समझो कि जो आप कहे नहीं, जो आप सोचे सो हो जाएगा, करना भी नहीं, अपार शक्ति आएगी। ये जो विज्ञान भी कह रहा है, यही अध्यात्म भी कह रहा है, और यही बात गांधी दर्शन में निहित है। तो उन्होंने सेवा करते हुए तो कहा कि भाई कुष्ठ सेवी रोगियों की सेवा करो, आदिवासियों की सेवा करो, हरिजनों की सेवा करो, गरीबों की सेवा करो। खाली सेवा करो नहीं, उस सेवा इस ढंग से करो कि लक्ष्य शून्य का होगा। तो साधना के एकदम चरम बिंदु तक गांधी जी ले गए हमको। बोलते हैं, प्रार्थना बोलते हैं, तो ध्यान कहाँ देते हैं उस पर, देना होगा। इसलिए ये जो गांधी विनोबा विचार की विशेषता है, लोग कहेंगे कि आप साधना करते हैं? हाँ करते हैं, मैं थोड़ा ध्यान करता हूँ, कुछ पूजा करता हूँ, कुछ पाठ करता हूँ। तो गीता प्रवचन में भी बाबा ने लिखा है गांधी विचार के लिए ये थोड़े आधा घंटा घंटा दो घंटे की पूजा नहीं, 2400 घंटे की पूजा चाहिए। यानी जो कुछ हम करें सब पूजा, वो पूजा हो जाए, जो कुछ हम करें वो साधना हो जाए। और संतों ने उसको दिया तो है, जो कुछ करूँ सो क्या पैर चलू सो परिक्रमा का सोना समाधि, वो भी हमारी साधना चल रही है। सोए नहीं, समाधि कब होगी? जब निस्वप्न निद्रा आए, कोई सपना न हो। ऐसे हमको कहाँ आती है, सपने देखते हैं हम, तो हमारी नींद कोई समाधि नहीं बनती है, वो बनानी है समाधि। और चल रहे कहीं भी इधर से उधर चल रहे, परिक्रमा हो रही है, रोटी बेल रहे हैं, ये पूजा चल रही है, झाड़ू लगा रहे हैं, ये पूजा चल रही है। हर कर्म पूजा बने, हर कदम परिक्रमा का हो, जो बोले सो जप हो, तो फिर गलत निकलेगा ही नहीं। वो तुकाराम महाराज का वचन है, मंगला वासुनी उमटे ना वाणी, मेरे मुंह से मंगल के अलावा शुभ बात निकलती नहीं है, बुरी बात मेरे मुंह से निकलती नहीं है। तो फिर जो बोलेंगे वो जब, और इस तरह से हर कर्म को साधनामय और हर कर्म को क्रांतिमय बनाने की विशेषता, ये गांधी विचार की विशेषता। इतना ऊंचा दर्शन है, हम अपने जीवन में कितना उतार पा रहे हैं, निरंतर देखना है। इसमें कोई निराश होने की बात नहीं भाई, एक कदम चले, दो कदम चले, चार कदम चले, चल रहे हैं हम उस काम, उस पथ पर चल रहे हैं, पर निरंतर देखते रहना है। इसलिए साधना और क्रांति का द्वैत मिटाकर जीवन में अद्भुत अद्वैत स्थापित करने वाले महापुरुष महात्मा गांधी थे। उनका वो जो दर्शन था कि इसीलिए उन्होंने कोई धरना प्रदर्शन शब्द नहीं इस्तेमाल किए, सत्याग्रह,
सत्य के लिए आग्रह, हम जो कुछ कर रहे हैं वो सत्य के लिए कर रहे हैं, कर रहे हैं अंग्रेजी सरकार को हटाने के लिए, लेकिन ये सत्य के लिए, हम अंग्रेजों के खिलाफ नहीं, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ है, किसी की भी हुकूमत के खिलाफ है। अगर हम हुकूमत करें दूसरों पर तो आपको हमारे खिलाफ होना चाहिए, सीधा कहा। कोई किसी पर हुकूमत न करे, सब अपने ऊपर अपनी हुकूमत चलाए, कोई शासक और कोई शासित न हो। अद्भुत दर्शन है ये सारा, और इसलिए समस्त हुकूमतों को मिटाने के लिए और पूर्ण स्वतंत्रता विश्व में स्थापित करने के लिए गांधी जी की लड़ाई थी, खाली हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए नहीं। हिंदुस्तान की आज़ादी उनके लिए बहुत छोटी बात थी। तो इस दर्शन को लेकर आज हमें चलना है, और उसकी अब क्या क्या ये होती है, हम लोगों में हम अपने को देखें तो बहुत सी त्रुटियाँ होती है। बाबा ने हमको कई चीज़ें सिखाई, तो कुछ तो असर जीवन पर रहा, फिर भी कभी कभी भूल जाते हैं। गुण दर्शनम, गुण ही देखो। अब कैसे ये गांधी विनोबा के अध्यात्म पर कैसे चलना, गुण देखो। वो कहते थे कि गुण है दरवाज़ा और दोष है दीवार। इस घर में आना है तो ये दरवाजे से आओगे या दीवार से आओगे? दीवार से आओगे तो टकराओगे, प्रवेश नहीं। इसलिए किसी के भी हृदय में प्रवेश पाना है तो उसके किसी गुण को पकड़ो, उस गुण का जिक्र करो, तो उसके दिल का दरवाज़ा खुल जाएगा। और रुके कि ऐसा एक भी इंसान नहीं है जिसमें एक भी गुण न हो, ऐसा एक भी इंसान नहीं, सब में कुछ न कुछ गुण होता है। खूंखार डकैत को भी अब देखिए, वो अपने बच्चे से प्रेम करता है, ठीक है, उसमें प्रेम का गुण तो है कुछ। उसी को लेकर कि भैया तुम इस बच्चे से प्रेम करते हो, ऐसा सब दूसरे भी बच्चे, अगर तुमने किसी बच्चे को पिता को मार डाला तो वो बच्चे को कितना दुख होगा। तो जैसे तुम्हारा बच्चा है वैसे वो बच्चा है, समझेगा, वो ज़रूर समझेगा, क्योंकि वो अपने बच्चे से प्रेम करता है। तो जो जिसमें जो गुण है उस गुण को लेकर आगे बढ़ो, दोषों को मुँह से मत निकालो। मेरे साथ बड़ा आजकल दिल्ली का थोड़ा थोड़ा असर होने लगा है, हमारे मुँह से भी ये दोष वोष वाली निंदा वाली बात निकल जाती है, पहले बिल्कुल नहीं निकलती थी। मुझे कभी कभी इंदिरा जी बताती थी कि फला आदमी ने ऐसा गलत काम किया है, वो ये करता है। निर्मला तुमको मालूम है? मैंने कहा, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने कहा ऐसा है कि विनोबा जी ने हमको एक नियम बताया है कि मुँह से बुरी बात बोलना नहीं, निंदा बोलना नहीं। कहे तुमको मुझे तो बताना चाहिए था। का क्या करूँ, मेरी ट्रेनिंग ही ऐसी है कि निकलती नहीं, पर अभी मैं देख रही हूँ कि कुछ कुछ निकलने लगी है, इसके माने ट्रेनिंग में कमी हो गई है, फिर से ट्रेनिंग और करने की ज़रूरत है। हमारे मुँह से निकलता ही नहीं था, ऐसा विनोबा जी ने हमको ट्रेन किया था। और एक प्रसंग मैं सुनाती हूँ किसी व्यक्ति के बारे में, तो सर्वोदय के कोई नेता थे, वो कुछ कोई कुछ गलत काम कर रहे थे, तो मैंने गलत मतलब वैसे गलत नहीं कहूँ, पर कुछ ऐसा विनोबा जी के आंदोलन के बारे में कुछ ऐसा बोले, तो मैंने बाबा को उस वक्त कह दिया। उसके बाद वो सज्जन गए बाबा के पास, वो बहुत गलत बात नहीं थी लेकिन कोई छोटी सी थी, तो मैं बैठी थी उधर, मुझे सुनाई दे रहा था, सुनना नहीं चाहिए था पर सुनाई दे रहा था। उन्होंने बाबा ने कहा तुमने ऐसा कहा था, तो वो बोले आपको ये चीज़ निर्मला ने कही होगी, क्योंकि उनको मालूम था कि मुझे ये मालूम है। तो बाबा ने फौरन कहा नहीं निर्मला कभी ऐसी बात नहीं करी, मैं तो पानी पानी। मैंने कहा मेरे मुँह से क्या निकला? वो फिर बोले नहीं उसी ने कहा होगा। ये नहीं निर्मला ऐसे अपने मुँह से ऐसी बात निकाल ही नहीं सकती, निकाली थी लेकिन मैं इतनी उससे मेरे मन की क्या कहते हैं कि
शुद्धि हो गई बाबा के उस एक वचन से कि वो ऐसी बात कभी कह नहीं सकते। उसके बाद मैंने कभी किसी के लिए ऐसा नहीं। तो ये ताकत होती है विश्वास में। तो बाबा ने एक विश्वास प्रकट किया। मैं कहना ये चाहती हूँ कि ये उनका जो विचार था, अब उसमें राजनीति में उसमें हम मार खाते हैं, पर हमको करनी नहीं है राजनीति। पर हमने ये देखा, जैसे मैंने कहा ना कि इंदिरा जी कहती निर्मला तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तो मेरे मुँह से निकल नहीं सकता। तो इसमें अपनी रक्षा है। तो सिर्फ गुण दर्शनम, गुण निवेदनम, यानी बोलना भी गुण ही, अच्छी बात बोलना। निंदा न करे के नी रे वैष्णव जन में, है ना, कभी मुँह से निंदा का वचन निकलेगा ही नहीं। अपने को ट्रेन करना पड़ता है अपने को वैसे निरंतर। तो गुण ही देखना, गुण ही बोलना, गुण के मार्ग से ही किसी के हृदय में प्रवेश पाना, ये सर्वोदय की क्रांति की रणनीति है। इसलिए नक्सलाइट की बात करनी हो, हम कहेंगे भाई उनमें बड़ी निष्ठा होती है। हमने देखा है कि जिन जंगलों में, कहाँ ये कहाँ गया पिक्कू, हाँ ये तो अभी गया है, हम उन जंगलों में पहले गए, भाई हमारे लिए खाना बनता था। और वो नक्सलाइट नेता, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, वो रात में गांव में जाकर जो भी सुबह का भात बचा होगा पत्ते पर खा लेते थे। मैं ये सब देखा मैंने, मैंने कहा भाई हमसे ज़्यादा वो तप करते हैं, उनका तप हमने देखा, उनमें तप का गुण था, उनमें बंदूक का दोष था, लेकिन गुण तप का था, वो हमने पकड़ लिया। पुलिस की बात, पुलिस वालों की हालत मैंने देखी, जो दूर दराज के इलाके में हैं, उनसे भी बात की, उन्होंने कहा हमारी मोटर का पेट्रोल ख़त्म हुआ, अब हम ना आगे जा सकते ना पीछे जा सकते, क्या करेंगे। तो पुलिस के इस कैंप में हम गए, उनसे निवेदन किया, उनने कहा आपका दे देते हैं हम, लेकिन आप हमारी हालत देखिए, हमारा पेट्रोल ख़त्म हुआ तो कहीं से आने में, हम वायरलेस से कह भी दे, आने में आधे दिन से ज़्यादा लगेगा, और तब तक नक्सलाइट हमारी बोटी बोटी काट के रख देंगे, हम भाग भी नहीं सकते। तो उनकी जो समस्याएं हैं वो भी हमने देखी। हमने कहा बेचारे पुलिस वालों को भी बहुत कठिनाई में चलाना पड़ता है। जैसे ही हमने कहा, पुलिस वालों के दिल में भी एक अपनत्व जगा। तो सबका दुख दर्द जाने, सबके गुण देखे और वही हम बोले। इसको रमेश भाई जानते हैं, हम लोगों ने जीवन भर यही काम किया है। तो कल हम जो बोल रहे थे ना, वो कुछ विनोबा वाली भाषा नहीं थी, महबूद भाई बोले, तब मैंने कहा कि ये बाबू लोग ऐसे होते होते, सही है, लेकिन ये हमको नहीं बोलना है। हमारा काम उनकी अच्छाई देखकर उनके हृदय में प्रवेश पाना है। हम कैसे भटकते हैं ये आपने कल देख लिया, ये हमारा दर्शन नहीं है, ये हमारी जीवन की पद्धति नहीं है। हमारे लिए सब अच्छे हैं और सबकी अच्छाई को हम देखेंगे और उस अच्छाई के जरिए उनके हृदय में प्रवेश पाएंगे, तब सफलता निश्चित, ये अहिंसा की पद्धति। तो ये दूसरी बात हुई गुण दर्शनम, गुण निवेदनम। इसी के साथ कभी निराशा नहीं आने देना, अहिंसा की पद्धति में आशा ही आशा रहे। विनोबा जी का एक वचन है कि निराश होना यानी नास्तिक बनना, जो भगवान को नहीं मानता है वही निराश होता है। अगर आप में निराशा आ गई तो समझ लीजिए कि भगवान के प्रति भक्ति खत्म हो गई। अगर भगवान में भक्ति है तो जो कुछ वो करता है मेरे कल्याण के लिए। और ये मैं अपने अनुभव की बात बताती हूँ कि कोई एक काम हम चाहते हैं नहीं हुआ, हमको उस वक्त बड़ी निराशा हुई, क्या हुआ, ऐसे हुआ, भगवान ने ऐसा क्यों किया,
कुछ दिन बाद ऐसे अनुभव आते हैं कि उस समय वो नहीं हुआ, अच्छा ही हुआ, इसमें हमारी भलाई हुई, ये अनुभव आता है कभी दिन बाद, कुछ साल बाद। पर यानी जो कुछ भगवान करते हैं हमारे लिए कल्याण ही होता है। और मैं अपना एक छोटा सा अनुभव, ये बातें बोलने की नहीं होती है, लेकिन मैंने देखा कि जो बीमारी और पीड़ा होती है वो भी हमारे कल्याण के लिए। मेरे जीवन का सबसे ऊंचा आध्यात्मिक अनुभव अत्यधिक शारीरिक पीड़ा के बाद आया। अब वो पीड़ा मेरे लिए वरदान थी, मैं तो सोचती हूँ फिर ऐसी पीड़ा हो, उसका उसका क्या संबंध था मुझे नहीं मालूम। पर सवाल ये है कि जो कुछ प्रभु देता है हमारे कल्याण के लिए है, ये अगर हमारी भूमिका न हो तो हम गांधी विनोबा का काम कर नहीं सकेंगे। इसलिए जो प्रभु कीनो सो भल मानो एक सुमति साधुनते पाई, गुरु नानक देव का जो प्रभु किया वो हमारे उसमें भलाई। और इसके उदाहरण बाबा देते हैं कि तुकाराम महाराज की पत्नी बहुत कर्कशा थी, उनको हमेशा डांटती थी, गाली देती थी। तो तुकाराम महाराज कहते थे, भगवान तेरी कितनी कृपा है, ये अगर ऐसी कर्कशा नहीं होती तो मेरा मन इसमें लगा रहता, आज मेरा मन तुझ में लगा है, बहुत अच्छा कि ऐसी कर्कशा पत्नी दी। ये शिवनाथ का प्रिय वचन है। वो काम बहुत गरीब थे, मजदूरी करके लाते थे घर में, तब खाना बनता था। एक बार बिल्कुल दो दिन से घर में खाना नहीं था, उसने कहा जाओ, पत्नी ने करो दिन भर मेहनत और कुछ ले ले आओ, ये गन्ना है काटने का काम हो रहा है, कुछ काटो, गन्ने की कटाई में जाओ। तो गए वो और दिन भर मेहनत की, इतने सारे गन्ने काट कर, वो उस ज़माने में मेहनत पैसे नहीं मिलते थे, अनाज ही मिलता था, तो गन्ने इतने मिले, सिर पे लाद पीठ पे लाद के ला रहे थे घर पर। तो बच्चे आए, महाराज हमको एक दे दिया, इसको एक गन्ना, दूसरे आए हमको, देते 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 एक गन्ना बचा, घर पहुँचे तब एक। तो पत्नी ने कहा दिन भर मेहनत करके यही मिला तुमको? तो कह मिला तो बहुत था, लेकिन अब बच्चे मांग रहे थे तो मैंने नहीं दे दिया। उसने बताया कि ये तेरी मेहनत का फल है, क्या खिलाऊंगी मैं बच्चों को? और वो गन्ना लेके तुकाराम की पीठ पर ऐसे मारा कि दो टुकड़े हो गए। तुकाराम महाराज मुस्कुराए, बहुत अच्छा हुआ, मैं सोच रहा था एक गन्ना दोनों कैसे खाएंगे, अब दो टुकड़े हो गए, एक तुम खाओ एक मैं खाऊं। ऐसे होते हैं भक्त, ऐसे भक्त का सुनिए, इससे भी एक भक्त है, छोड़ो तुम अब कहानी स्टार्ट करता है। तो मतलब कर्कशा पत्नी मिली, नहीं छोड़ो, तो भगवान की कृपा। दूसरे थे एकनाथ महाराज, उनकी पत्नी बड़ी सुशील और बहुत उनके सब पूजा पाठ ध्यान धारणा सब में साथ देती थी। वो कहते थे भगवान क्या तुम्हारी कृपा है कि इतनी अच्छी पत्नी दी है कि दोनों मिलकर साधना कर रहे हैं और मरे भी दोनों एक साथ। उन्होंने कहा कि अब हमको दुनिया छोड़नी है, तो सब सब भक्तों को बुलाया, हरि राम बोल के नदी के किनारे सबको ले गए और कहा कि अब तुम सब लोग करो कीर्तन। और दो पत्थर लाए, एक अपने पीठ पे बांधा, एक पत्नी के पीठ पर, और सबको कहा नमस्कार, और दोनों नदी में घुस गए, समाधि जल समाधि ले। बड़े बड़ा सुंदर जीवन था दोनों का, एक साथ साधना की एक साथ समाधि ले। तो बाबा कहते थे कि अच्छी पत्नी मिली तो भी भगवान की कृपा, कर्कशा मिली तो भी भगवान की कृपा, और मरी मर गई उनकी पत्नी तुकाराम की, कह बाइल मेली मुक्त झाली विठो तुझे माझे राज्य। पत्नी मर गई, वो तो बेचारी मुक्त हो गई, अब भगवान तू और मैं दो ही बचे हैं, अब हमारे बीच में कोई नहीं है तीसरा। तो मरी तो भी अच्छा। नरसिंह मेहता के बारे में कहता है, जब उनका लड़का मर गया, इकलौता बेटा,
भलू थयू भांगो जंजाल जंजाल अच्छा हुआ ये जंजाल संसार का ये सब खत्म हुआ अब भगवान अब तू और मैं और कुछ तो बच्चा मिला तो भी भगवान की कृपा मरा तो भी भगवान की कृपा तो ये वो बाबा ऐसे सारे उदाहरण हमको बताते थे और कहते थे कि जो कुछ वो करता है उसमें हम उसकी कृपा ही देखें उसके कल उसका उसका कल्याण ही देखें कि हमारे कल्याण के लिए हो रहा है इसलिए हम किसी चीज़ के लिए ये न कहें हालांकि इंसान है तो होता है तो मैंने एक चीज़ की है कि मैं कुछ भी तकलीफ़ होती है तो मैं भगवान से कहती हूँ कोई कोई भी परेशानी हुई तुमको तंग करने के लिए भक्त ही मिल जाते दूसरे नहीं मिलते कोई किसी को कष्ट देना है तो अपने भक्त को ही तुम देते हो हमारे जैसों को क्यों ऐसा करते हो उसी से मैं लड़ती हूँ पर दूसरों को कुछ नहीं क्योंकि भगवान सारे कष्ट तेरे भक्तों के लिए पर उससे कहे तो ठीक है आपस का संवाद है बात यह कि वो कष्ट भी देता है आपके कल्याण के लिए देता है आपके मंगल के लिए आपके यश के लिए आपकी सफलता के लिए है इसको समझना चाहिए ये अहिंसा की एक बुनियादी भूमिका है और इसी के साथ गुणदर्शनम गुणनिवेदनम निरंतर आशा जो कुछ होता है उसमें कल्याण देखना और क्रांति कैसे होगी तो ये मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ कि आप केवल प्रेम दीजिए और सेवा कीजिए सब जगह विचार तो देना है लेकिन हर जगह विचार देने से नहीं चलता है खामोशी से प्रेम दीजिए सेवा कीजिए आप हर किसी को क्या करें अपने विचार की तरफ ला सकते विचार देना एक काम तो है ही लेकिन उसके भी कितने तरीके हैं ये देखा सबसे बड़ा तरीका प्रेम सेवा इससे किसी का भी परिवर्तन हो सकता है अनुभव करके देखिए और उसके लिए धीरज चाहिए एक दिन में नहीं होता है बहुत धीरज चाहिए तो कोई कितना भी जिसको लोग बुरा कहते हैं अरे भाई बुरा क्या है वो जो है ना बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई जो दिल ढूंढा आपना मुझसे बुरा न कोई दूसरों को क्या देखूं मैं बुरा तो मैं हूँ तो संत जो विनोबा जी कहते हैं आजकल के लोगों की तरीका है तू बुरा है तू भ्रष्ट है तू अपराधी है कहे संत क्या कहते थे मोसम कौन कुटिल खल कामी कुटिल खल कामी कौन है मैं ही हूँ और सबसे कौन जिम्मेदार है आज के समाज को भ्रष्ट करने के लिए कौन जिम्मेदार है विनोबा जी से जब किसी ने पूछा कि गांधी जी पर गोली किसने चलाई तो क्या जवाब दिया विनोबा जी ने मैं हूँ सुनने वाले ऐसे दंग रह गए कहेगा एक दिन में गोली नहीं चली वातावरण बनाया गया था गांधी जी के खिलाफ हिंदूवादियों ने वातावरण बनाया था उस वक्त सावरकर और गोडसे और ये सब लोगों ने गांधी गलत काम कर रहे हैं गांधी मुसलमानों को तरजीह दे रहे हैं मुसलमानों की रक्षा कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए 55 कोटी दे रहे करोड़ दे रहे ये सब वातावरण बन रहा था कई 2-4 सालों से कहे जो वातावरण बन रहा था उसमें से गोडसे पैदा हुआ उस वातावरण को रोकने के लिए मैंने क्या किया मैं तो आश्रम में बैठा था मैंने कुछ नहीं किया इसलिए मैं भी जिम्मेदार हूँ लोग दंग रह गए सुन के किसने गोली चलाई मैंने यानी दुनिया में जो कुछ हो रहा है पाप पुण्य मैं जिम्मेदार हूँ ये भूमिका अहिंसक क्रांतिकारी की है अभी जॉर्ज बुश जिम्मेदार है हम नहीं जिम्मेदार सब जिम्मेदार है हम भी जिम्मेदार है कुछ हद तक वो 100% होगा तो 10% हम भी है इराक की लड़ाई के लिए हम गए थे वहाँ हिंदुस्तानी रोकने के लिए जब वो बमबारी करने जा रहा था मैं आपसे क्या कहूँ मुझे वो एक जैन साधु है
सच्चेनाथ जानता है, दिगंबर मुनि बहुत बड़े संत, वो मुझे एक दिन बुलाया यहाँ, कभी कई कभी यहाँ रहते पैदल चलते, कर्नाटक के मुझे ताई कहते, मराठी बोलते हैं ताई, इराक चाहिए। तो मैं क्या करूँगी भाई इराक जाके, आपको जाना चाहिए, प्रार्थना करो, गांधी की शिष्या है। मैं नहीं गई, अब जाके क्या करते, कुछ कर सकते नहीं कर सकते मुझे मालूम नहीं, पर एक संत को सूझा, कहा कि इराक जाइए, हम गए नहीं, तो अगर इराक में बमबारी हुई, लाखों लोग मर गए, तो कौन जिम्मेदार है? खाली जॉर्ज बुश नहीं है, हम भी नहीं है, हमने क्या किया उसको रोकने के लिए? हाँ थोड़ा बहुत यहाँ शांति पीस मार्च वगैरह किया, उतने से नहीं, और करना चाहिए था। हम गांधी के चेले, और जापान के कुछ भिक्षु वो यहाँ भी आए थे, वो जो बजाते हैं ना डम 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 डम, वो बजाते हुए इराक गए लड़ाई रोकने के लिए, गए, खैर उनको फिर गिरफ्तार करके वहाँ से हटा दिया गया, वो छोड़ो पर गए, यानी कुछ तो किया उन्होंने। खैर कभी वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ बैठ के भी ध्यान कर सकते हैं। सवाल ये है कि दुनिया में जितने गलत काम हो रहे हैं उनको रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं? इसलिए हम भी जिम्मेदार हैं। ये जिम्मे उंगली दूसरे की तरफ न उठे, अपनी तरफ उठे, ये गांधी विचार की एक विशेषता है। लुई फिशर ने उनकी किताब लिखी है जीवनी, बड़ी सुंदर लिखी है गांधी जी पर, उसमें एक चैप्टर ही है पर एक अध्याय, टर्न द सर्च लाइट इन वर्ड्स। सर्च लाइट होता है समुद्र के किनारे ऐसा, बहुत तेज उसमें क्या रहती है रोशनी, तो कहाँ से जहाज आ रहा है सब दिखता है, तो सर्च लाइट का मुंह उधर। तो कहे गांधी की विशेषता ये है कि वो कहते सर्च लाइट इधर घुमा दो, यहाँ क्या क्या हो रहा है देखो। गांधी यही कह रहे टर्न द सर्च लाइट इन वर्ड्स, अपनी तरफ, अपने का क्या बुराइया कैसे मिटा सकते हैं, क्या कैसे अच्छाइयाँ बढ़ा सकते हैं, क्या काम हमें करना चाहिए, अपने को देखो। हम सब दूसरों को उपदेश देते, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, और आपने क्या किया जी, कोई हमसे पूछे तो। मुझे एक बार मेरे पार्लियामेंट में ऐसा ही हुआ, कुछ एक कांग्रेस के बड़े नेता आए एमपी, कहे ये बोलना है फलानी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने ऐसे ऐसे गांधी जी के बारे में कहा है और ऐसा। मैंने कहा क्या क्या कहा है, तो उन्होंने कुछ लिखा, मैंने कहा तो गांधी जी ने खुद ही कहा था, तो कहे नहीं नहीं फिर आप हमारे काम के नहीं है, आप तो सच बोलती है। उनको पार्लियामेंट में हल्ला करना था, बीजेपी पर हमला करना था, ये सब कि आप हमारे काम की नहीं है, हम गांधीवादी सोच के आपके पास आए, लेकिन आप तो सच ही बोल देगी। हमने कहा भाई गांधी भक्त अगर हम हैं तो सच बोलना ही है हमको। तो सवाल ये है कि हम तो ऐसे देखा जाए ना, तो राजनीति में हम किसी के काम के नहीं है, क्योंकि हम सच बोलेंगे। ठीक है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सच भी बोलो और प्रेम पूर्वक बोलो, ये हम करते हैं। कटु ढंग से सच मत बोलो, इतनी कोशिश करते हैं फिर भी कभी कटुता आ ही जाती होगी, लेकिन सच बोलना हमारा काम है। तो मैं कहने का मतलब ये है कि गांधी विचार की विशेषता, अपनी तरफ देखो। आज जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं। किस हद तक है, कैसे है, हमको क्या करना है, सोचे। और वो कहानी अब बहुत ज़्यादा भारी हो गया, इसलिए एक कहानी सुनाते जो विनोबा जी अक्सर सुनाते थे, कि एक बार अकबर बादशाह के दामाद थे, उन्होंने कुछ बादशाह को कुछ भला बुरा कह दिया, दामाद ही है उनको हक है कहने का। अब बादशाह तो बादशाह है, उनको बहुत गुस्सा आया, बीरबल को बुलाया, बीरबल एक काम करना है, क्या सब दामादों को फांसी पे चढ़ाओ, बनाओ सूली, कितने दिन लगेंगे हुजूर, एक आध महीना तो लगेगा, बहुत सब दामादों को फांसी पे चढ़ाओ।
जब सब सूली बन गई दो दिन पहले के हुजूर जरा देख लीजिए, हजारों सूलियां बनी थी लोहे की, मतलब जिसमें लटकाएंगे, एक बने थी चांदी की और एक बनी थी सोने की। तो अकबर ने कहा, बीरबल ये क्या? तो कहे, हुजूर चांदी की मेरे लिए और सोने की आपके लिए, क्योंकि आप भी किसी के दामाद हैं और मैं भी किसी के दामाद हूँ। जब सब दामादों को सूली पे चढ़ाना है तो हमको भी चढ़ना पड़ेगा। इस ये कहानी सुनाकर बाबा खूब हंसते थे और कहते थे कि भाई भ्रष्ट कौन है, भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार कौन है? हम भी हैं, कुछ हद तक हम भी हैं। हमने कहा कि हमारी जो हमारे साथ गाड़ी चलती थी एक सामान के लिए जीप, इस जीप के लिए बाबा को किसी ने बता दिया होगा, नहीं तो कैसे मालूम होगा? इस जीप के लिए कभी कभी इंटीरियर में पेट्रोल मिलता नहीं तो ब्लैक से खरीद लेते हैं हमारे लोग। हो गया भ्रष्टाचार या किसी को ले दे के ले लेते हैं? तो मैं भी भ्रष्टाचार में लिप्त हूँ, मेरी गाड़ी के लिए ऐसा पेट्रोल खरीदा जाता है, भाषण में बोलते थे। कहने का सार ये कि हर कोई अपने को देखे तो भ्रष्टाचार मिटाने का सही तरीका ध्यान में आएगा। मुझे लोग बहुत पूछते हैं, बड़ी कुछ ये हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, अखबार वाले, आप गांधीवादी हैं, कितने गलत लोग बैठे हैं पार्लियामेंट में, एमपी कितने क्रिमिनल बैठे हैं, उनके साथ आपको कैसा लगता है? मैंने कहा नहीं, तो हम पार्लियामेंट में बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छी बात होती है हमारी सबके साथ। नहीं पर क्रिमिनल भी है। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम कौन क्रिमिनल है कौन नहीं, मैं एक काम करती हूँ भारत पाक दोस्ती का और सब लोग इसमें मुझे सहयोग देते हैं। हो गया जवाब मेरा। मैं क्यों कहूँ ये क्रिमिनल है, ये भ्रष्ट है, ये फला है, ये मेरा काम नहीं है। तो ऐसे जवाब दे के हम छुट्टी पा लेते। लेकिन कहने का सार ये कि ये हमको नीति अपनानी होगी, तभी अहिंसक तरीके से क्रांति होती है। एक बार हमारे कुछ कार्यकर्ता बाबा के पास गए, बाबा ये जो फला उस गांव के वो जो बड़े जमींदार हैं उनके पास हम तीन बार गए जमीन मांगने के लिए, दान दे ही नहीं रहे, हमने इतना उनको भाषण दिया, सब समझाया। तो बाबा ने कहा वो कोई तुम्हारे पूर्व जन्म के देनदार है, जो तुम गए तो वो दे देंगे। अरे तुम जिसके पास जमीन मांगने जाते हो समझो कि वो भगवान है, तीन बार जाना पड़ा भगवान के मंदिर में, तीन बार जाना पड़ा तो तुमको दुख होगा? अरे खुशी की बात है, दस बार जाना पड़े दस बार जाओ, जहाँ भी जाते हैं वो भगवान है। ऐसी बात उन्होंने हमको सिखाई, उसके बाद किसी ने शिकायत नहीं की। तो हम भी अगर ये कहे कि जिसके पास भी जाते हैं वो भगवान है, तो ये सारी साधना की बात है जिसके द्वारा हम क्रांति के अच्छे औजार बन सकते हैं। एक दिन बाबा ने मुझे, आज भी याद है, आसाम में कोई नहीं था, कमरे में बाबा और हम थे, निर्मला मुझसे क्रांति नहीं होगी नहीं होगी। बाबा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे ये मेरी विद्वत्ता आड़े आ रही है, मैं बहुत विद्वान हूँ ना, तो लोग समझते हैं कि ये विद्वान है इसलिए इसकी बात सुननी चाहिए, ये नहीं समझते हैं कि ये क्रांति की बात कर रहा है। कि मैं कबीर जैसा जो होगा, मसी कागज छूयो नाही कलम गयो नहीं हाथ, कबीर को लिखना पढ़ना नहीं आता था, पैगंबर साहब लिखना पढ़ना नहीं आता था, कि ऐसे जो होंगे उनसे क्रांति होगी हिंदुस्तान में, मुझसे नहीं होगी, मेरी विद्वत्ता बाधा देती। ऐसे मतलब दुख से बोल रहे थे मुझसे, पर उसमें एक बहुत बड़ा संदेश था कि भारत देश में क्रांति करने के लिए उस गरीब से गरीब, उस अनपढ़ से अनपढ़, उसके साथ दिल आपका जुड़ना चाहिए। कैसे जुड़ेगा सोचो, ये कहना चाह रहे। और कहे क्या करूँ, बहुत ज़्यादा विद्वान हूँ मैं, ये विद्वत्ता बाधा देती है। होता था लोग भी बाबा की विद्वत्ता से प्रभावित होते थे। खैर, तो कहने का सार ये कि
क्रांति करने के लिए साधारण जन से अपने को एक रूप बनना है। कैसे बनेंगे इसको, रमेश भाई को ये सब आधुनिक परिभाषा आती है, हमको नहीं आती। कम्युनिकेशन है ना, कोई शब्द आपको, गांव से आप जाते हैं, आप हिंदी में बात बोल रहे हैं, गांव वाले कुछ नहीं समझते, कुछ ये अनुभव आपको आएगा। भाषा हिंदी है लेकिन आपकी बात न वो समझ रहे हैं न उनकी बात आप समझ रहे, कोई कम्युनिकेशन नहीं होता। कम्युनिकेशन के लिए वो किस ढंग को समझेंगे। एक बार मुझे नौजवान पीटने वाले थे, क्या हुआ, ये रमेश भैया है, उसने अपने आश्रम में 11 जगह महिलाओं को बुनाई सिखाने के लिए बनाई थी कुटिया। एक जगह मेरे हाथ से फीता कटवाया, दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह मैं पहुंची तो गांव के हट्टे कट्टे 60-70 नौजवानों ने मुझे घेर लिया। ये क्या बात है दीदी, सब महिलाओं के लिए ही कार्यक्रम, हम लोगों के लिए नहीं, हम भी तो बेरोजगार है। तो दूसरे लोग उनको समझाने लगे, वो और उत्तेजित हो गए, वहाँ से मेरा निकलना मुश्किल था, पीटी जाती। अब मुझे बाबा की बात याद आ गई, मैंने कहा देखो भाई सुनो, आपकी बात बिल्कुल सही है, आपके लिए होना चाहिए, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप सीताराम सीताराम बोलते या राम सीता राम सीता बोलते, क्या बोलते एक दूसरे की तरफ। नहीं हम तो सीताराम बोलते हैं। मैंने कहा ये बताओ, कृष्ण राधा बोलते या राधा कृष्ण राधे कृष्ण बोलते। फिर एक दूसरे की तरफ देखो, नहीं हम तो राधे कृष्ण बोलते। मैंने कहा भैया जो बोलते हैं वही हम कर रहे हैं, पहले राधा पहले सीता बाद में कृष्ण बाद में राम। समझ गए, हंसने लगे एक दूसरे से, कहा अरे चलो रे यहाँ से, क्यों मैं हमको राम को और कृष्ण को पीछे खड़े होना है, सीता और राधा आगे रहेंगी। चले गए हंसते हंसते। ये अगर मुझे नहीं सूझता तो पीटी जाती उसकी। तो उनसे कैसे कम्युनिकेट करना, किस भाषा में बात करना, ये बाबा ने खूब सिखाया है हम लोगों को, और यही उनके साहित्य से हम सब लोग सीख सकते, फिर अनुभव से भी सीख सकते, कुछ मार खा के भी सीख सकते हैं, गलत बोलेंगे तो पिटाई होगी, उससे कुछ सीख लेंगे कि ऐसा नहीं ऐसे बोलना चाहिए था। मगर आज के समाज में तुकाराम की कहानी बड़ा ऐसे हम चलाए ना, और हम हमारे एक मित्र ने ये भी चला दिया कि ये बहुत गलत कर रहे हैं विश्व हिंदू परिषद वाले, जय श्री राम बोल रहे हैं और सीता को भूल रहे हैं। सीता को भूल रहे, सीता अभिशाप देंगे इन सबको, ऐसा किसी ने चला दिया। समझ में आता है लोगों को ये बात, बात सही है। कभी हमारे देश में श्री राम नहीं बोलते थे, सीताराम बोलते थे। इसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि मिथिलांचल में सीता का अभिशाप तुम पर लगा है, तुम लोगों ने सीता को के बारे में कुछ कह के राम से उनको अलग करवा दिया था। तुम अयोध्या वासियों का ये पाप है, तुम पर सीता का अभिशाप है, तुम्हारा नाश होगा। भाषण देती थी वो, लोग सुन लेते थे। कहने का नहीं, तो बात ये है कि कहाँ कौन सी भाषा चलेगी, किस समाज के बीच में क्या बोलना, ये सब कम्युनिकेशन का स्किल जो कहते हैं, इसको हमें कुछ गांधी जी से विनोबा जी से सीखना है, कुछ अपने अनुभव से सीखना है, जैसे मैंने कहा कुछ मार खा के सीखना है, पर सीखना पड़ेगा, तब हम सही दिशा में जाएंगे। तो गांधी विनोबा के विचार की विशेषता, अध्यात्म की पहली विशेषता ये कि पूजा के लिए उपासना के लिए अलग कोई करने की ज़रूरत नहीं, हर काम पूजा हो हर काम उपासना, साथ साथ हर काम ऐसा हो जिसमें से क्रांति की शक्ति
विकसित हो, ये दोनों एक साथ। तो बाबा कहते थे कि सबसे बड़े अद्वैती महात्मा गांधी, जो शंकराचार्य से भी बड़े अद्वैती है, कि जिन्होंने साधना और क्रांति का द्वैत मिटाकर उसमें अद्वैत स्थापित किया। और उनका विचार हमारे समझ में कम आता है। वो ईरान के राष्ट्रपति आए थे, कहे आप लोग उनको राष्ट्रपिता कहते हैं, बहुत गलत कहते हैं, वो आपके राष्ट्र के पिता नहीं है, वो हम सब के पिता हैं, हमारे भी पिता है। गांधी डज नॉट बिलोंग टू यू इंडियंस, गांधी बिलोंग्स टू अस ऑल्सो, गांधी बिलोंग्स टू द होल वर्ल्ड। ये उन्होंने यहाँ भाषण दिया ईरान के पहले के राष्ट्रपति। तो इसको भी हम समझ ले, और आज अनुभव ये आ रहा है कि हमारे देश के लोग जितना गांधी को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा जान रहे हैं, समझ रहे हैं भारत के बाहर, और करने की कोशिशें भी कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। मुझे ये अपने राष्ट्र, ये है ना प्रधानमंत्री, उनकी बेटी, छोटी बेटी अमेरिका में वो लॉयर है और ऊँचे ओहदे पर काम कर रही है, स्वतंत्र विचार की, उसने कहा कि ईरान के खिलाफ, मतलब इराक के युद्ध के खिलाफ जो शांति मार्च हुआ न्यूयॉर्क में, 10,00,000 लोग शामिल, महिलाएं, बच्चे, सब धर्मों के, सब वर्णों के, बारिश हो रही थी, कड़ाके की सर्दी, चल रहे थे लोग पैदल। उसने कहा मैं भी उसमें शामिल हो गया, सारे कपड़े गीले। मैं सोचूं कि ये तो महिला मेरे सामने है, इसके गोद में बच्चा है, और ये भी चल रही है। बहुत बड़ा तप किया उन लोगों ने। अब लोग कहते क्या हुआ, अरे एक दिन में होता नहीं, तप होते 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 एक बिंदु पर आकर उस पर असर होता। लेकिन बहुत हम लोगों ने इराक की लड़ाई को रोकने के लिए, बुश को रोकने के लिए जो किया, उससे 1,000 गुना अमेरिका के लोगों ने किया। तो कोई पूछते कभी अमेरिका को गाली मत दो, कहे जनता अलग शासन अलग, हर देश की जनता हमारे साथ, हम सब एक है, सारे लोग। हमने उस वक्त एक नारा दिया था, पीपल ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट फॉर, दुनिया के लोगों एक हो जाओ शांति के लिए। सरकारें गलत काम कर सकती है, पर जनता अच्छी है और जनता हमारे साथ, ये भी हमको अपने काम का एक हिस्सा बनाना चाहिए। इसलिए कभी अमेरिका को गाली मत दो, कहना है अमेरिकन शासन गलत काम कर रहा है, लोग अच्छे हैं, साथ साथ बोले लोग अच्छे हैं जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी शांति मार्च किए थे और जेल भी गए थे, कई लोग जेल भी गए थे शांति मार्च के। तो इसलिए हर जगह अच्छाई ढूंढनी है। इसी के साथ अब थोड़ा सा ये जो बुनियादी बातें जैसे मैंने कही, अद्वैत, क्रांति और साधना का पद्धति, उससे पहले कोई हैव नॉट नहीं, सब हैव्स है, जिसके पास जो है उसका वो ट्रस्टी है, मालिक नहीं, इसलिए शेयरिंग, बांट के खाना, इन बुनियादी सिद्धांत। इसीलिए अपना कल्याण अगर आप चाहते हैं तो विश्व का कल्याण करो, क्योंकि हम सब जुड़े हुए हैं, और इसीलिए अपना उदय सर्वोदय से ही होगा। सबका उदय होगा तो हमारा भी हो जाएगा। तरीका स्वयं शून्य बनना, ये शून्यता, इधर से मत खोलो, इधर से मत खोलो। गांधी जी की विशेषता क्या थी, उन्होंने कहा ही वॉज द ग्रेटेस्ट मास लीडर इन द होल ह्यूमन हिस्ट्री। समूचे संसार में जननेता अगर कोई पैदा हुआ तो महात्मा गांधी। तो हमारे पारिवारिक संबंध थे, तो मैंने उनको ऐसे मजाक में कहा, और आपके लेनिन
तो बोले मुझे लेनिन भी मास लीडर थे लेकिन उन्होंने हिंसा को अपनाया, इसलिए सारी जनता को साथ नहीं ले सके वो। गांधी जी ने अहिंसा को अपनाया तो बूढ़े बच्चे महिलाएं सब शामिल हो गए गांधी जी के आंदोलन में। ऐसा कोई था ही नहीं कि जो शामिल न हो सके, हर कोई शामिल। सबसे बड़ा मास मूवमेंट संसार का गांधी ने किया। तो क्रांति का ये तरीका है कि जिसमें हर कोई शामिल हो सके। अभी हम लोग जो कर रहे थे ना, तो प्रोग्राम ऐसा हो कि जिसमें सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हो, एक साथ करोड़ों के मुंह से एक बात निकलेगी तो सारा माहौल बदल जाएगा। ये गांधी जी ने कहा क्विट इंडिया, भारत छोड़ो, बच्चा बोलने लगा भारत छोड़ो, आखिर भारत छोड़ना ही पड़ा। ये ताकत पैदा होती। तो ऐसा तरीका अपनाना चाहिए कि जिसमें हर कोई शामिल हो सके, और अहिंसा के तरीके में सब शामिल हो सकते हैं। एक बुढ़िया है, चल भी नहीं पा रही है, वो अहिंसक आंदोलन में शामिल हो सकती है, उसको क्या है, वही बैठ के बोलेगी, हो गई शामिल, बच्चा भी शामिल हो गया। तो इसलिए तरीका क्रांति का ऐसा अपनाना चाहिए जिसमें सब शामिल हो सके, और वो नॉन वायलेंस है, ये समझने की बात। इसी के साथ अब आखिरी बात कह के समाप्त करेंगे कि हमको जो प्रोग्राम्स लेने हैं, अभी हमने सारे जो किए उसमें से चार चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है। पहला हमारा है जिसे हम कहते हैं ग्राम स्वराज, गांव की ताकत बने, जनता की शक्ति बने। ये जो रोज़गार गारंटी की स्कीम है इसको ठीक से इम्प्लीमेंट करने के लिए गांव की ग्राम सभा को हमें संगठित करके वो करवाना होगा। और एक चीज़ देखिए कि जो अधिकारी जो अफसर इसमें बाधा डालते हैं उनका परिवर्तन कैसे करना, इसके भी तरीके ढूंढने। कई बार हमने देखा है कि जो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं खुहार टाइप के ऑफिसर्स होते हैं उनके घर में घुस के हम उनकी बीवियों को अपने साथ ले लेते हैं, उनके बच्चों को साथ ले लेते हैं, तो वो बच्चे और वो उनकी बीवी वो उन पर प्रेशर डालते हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं इनके साथ जाओ। ये हुआ तो वो भी तरीके सबके ढूंढने पड़ेंगे। तो रोज़गार गारंटी स्कीम इस तरह के जो काम है जिससे जनता गरीबों की मदद होती है, जनता की शक्ति बनती है, ये काम हमको, जिससे ग्राम स्वराज की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरा जो है वो है सद्भावना, कॉम्युनल हार्मनी। इस देश में इस वक्त इसकी बहुत ज़रूरत है। इसके जितने प्रोग्राम्स हमने जो दिन तय किए जैसे प्रोग्राम्स हम उठा सकते हैं वो उठानी चाहिए, यात्रा ये चलानी चाहिए, जनता के पास जाना चाहिए। लोग कहते हैं हमको पता ही नहीं था, हमको मालूम ही नहीं था। अरे वो किताबें ला रहे सुना जी, वो जो ये सब इनको दे दो बांटने के लिए। कि कभी ये मत कहिए कि नक्सलाइट हिंदुस्तान के दुश्मन है, मैं उनके बारे में बात करती हूँ। हमारे नक्सलवादी मित्रों से हम ये कहना चाहते हैं भाइयों, हिंसा से काम नहीं बनेगा, बंदूक फेंको, गांधी की अहिंसा अपनाओ, इस तरह से। तो सारे शासन को प्रशासन को सबको कहना होगा कि मैंने पार्लियामेंट में भी ये बात कही है कि बंदूक से नक्सलाइट का मुकाबला नहीं हो सकता। किस समस्या के कारण वो पैदा होते हैं, वो समस्या गरीबी, अन्याय, अत्याचार,
बेरोजगारी सबको देना ना, इतने से क्या होता है। दलाई लामा एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने 9/11 जो हुआ अमेरिका में, जो हम बमबारी हुई, वो ट्विन टावर्स गिर गए, सबने दलाई लामा ने भी उसमें सहानुभूति जताई कि जो लोग मरे हैं उनके प्रति सहानुभूति है, लेकिन क्या कहा, बौद्ध दर्शन में एक सिद्धांत है, कोई भी कार्य कारण के बिना होता नहीं, नो इफेक्ट इज विदाउट अ कॉज, ये बौद्ध दर्शन है। ये क्यों हुआ ढूंढो क्या कारण था। कहने का सार ये कि आप लोगों ने जो अन्याय किया है, अत्याचार किए हैं पैलेस्टाइन में, फिलिस्तीनी लोगों के हक को मारा गया है, आप लोगों ने जितने जितने अत्याचार किए हैं मुस्लिम जगत पर, उससे ये पैदा हो गया। ऐसे शब्दों में नहीं कहा, देर इज नो इफेक्ट विदाउट अ कॉज, सो ट्राई टू फाइंड आउट द कॉज, ये उपदेश दे दिया उन्होंने। और यही हमको सबसे कहना है कि नक्सलवाद क्यों पनपता है, कारण ढूंढो और कारणों को मिटाओ, ये हमको चलाना होगा। इसी के साथ मैंने जैसे अभी आपसे कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, ये नारे हम लगाते ज़रूर लगाते रहे, लेकिन इसका काम भी करना ज़रूरी है। बहुत बार मिलके काम करने से बहुत सी गलत फहमियाँ दूर हो जाए, तो ऐसे कार्यक्रम उठाए जिसमें मिल करें। अभी हमारे खान साहब गए थे रचनात्मक समाज के तरफ से, और ये गए थे हमारे राम कुमार जी, दोनों गए थे रचनात्मक समाज के प्रतिनिधि के रूप में, वो जो एक राप्ता कमेटी की तरफ से यात्रा निकली, वो कारवां ने इंसाफ, और बहुत बड़े बड़े मुस्लिम नेता थे, हर जगह जाके लोगों को समझाया ये जो सच्चर कमेटी है उसने क्या क्या बातें कही है, हमको क्या करना है खुद को, और उसमें हमारे खान साहब ने ज़बरदस्त भाषण दिए हमें, हम सबको रचनात्मक समाज की तरफ से हम सब खान साहब का को मुबारकबाद देते हैं। ऐसे हमारे प्रतिनिधि उसमें गए और पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने बात कही, राम कुमार जी ने भी कही। दो दिन के लिए गए थे, चले गए वहाँ तक उड़ीसा तक चले गए। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि ऐसे कार्यक्रम उठाने चाहिए जिसमें सौहार्द बने, हारमनी बने, भाईचारा बने, तो ये आज देश में बहुत आवश्यक है, क्योंकि राजनीति के लिए कुछ लोग ये फूट डालने के काम कर रहे हैं। मुझे एक बार इंदिरा जी ने बताया कि वो गई थी बिहार शरीफ किसी एज प्राइम मिनिस्टर किसी इसमें, तो गांव की औरतों ने कहा क्या मैडम कोई चुनाव होने वाला है, तो कहे क्यों, कहे नहीं कुछ लोग दंगा करवा रहे हो। यानी गांव की औरतें जानती थी कि दंगा किस लिए करवाया जाता है कि चुनाव होने वाला हो तो उसमें किसी को लाभ होगा। पूछा उन्होंने क्या चुनाव होने, ये इनको पूछा रीना बहन को, बहन जी राम का हल्ला बहुत हो रहा है, कोई चुनाव होने वाला है, राम की नाम यानी राम का हल्ला हो तो चुनाव, राम तभी याद आता है, राम तभी याद आता है, पहले नहीं याद आता। तो लोग इस चीज को जानते हैं, तो हमें ऐसे कार्यक्रम उठाने चाहिए जिसमें भाईचारा बढ़े, आपस में मेलजोल बढ़े, एक दूसरे को जाने समझे, मिलकर काम करें, और सदियों से साथ रहे, साथ काम किए हैं, ये जानकर राजनीति के लिए फूट डाली जा रही है। असल में फूट है नहीं, हम लोग सब एक ही है, तो ये हमारा सांप्रदायिक सद्भावना का एक खास कार्यक्रम। और अब अंतिम कार्यक्रम हमारा, शिवनाथ हमसे कहता है
कि कोई गीता पर बोलने के लिए कहे, कोई कुरान पर, कोई जपजी साहब पर आप इंडो पाक लाए बिना आपका भाषण ख़त्म ही नहीं होता। तो भाई वो आज का हमारा बहुत बड़ा एक कार्यक्रम होना चाहिए। नारे कम से कम लगे जगह जगह, हजारों लोग लगाए, हिंद पाक दोस्ती जिंदाबाद, जंग नहीं अमन चाहिए, नफरत नहीं मोहब्बत चाहिए, गोली नहीं बोली चाहिए, ये नारे हमारे चलते रहे। और वो हमारा मोतीलाल शर्मा मुजफ्फरनगर का, इसको उसको कभी ये शिवनाथ क्या कहता है, ये आपके फला कार्यकर्ता आधे पगले हैं, और फिर खुद ही बोलता है आधे पगले लोग ही अच्छा काम करते हैं। तो उनके लिए भी ये यही बोलता है, उन्हीं को नारा सूझा, क्या बनाया, रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान, मांग रहा है पाकिस्तान। अरे दोनों को यही तो चाहिए, और क्या चाहिए, लड़ाई किसी को नहीं चाहिए। तो हिंद पाक दोस्ती के लिए जन आंदोलन बनाना, जनता की आवाज़ को मजबूत करना, ये हमारा एक खास कार्यक्रम होना चाहिए। और इस वक्त अभी मैं 8 दिन पहले ही पाकिस्तान गई थी MPs को लेके, आपके वो भी थे कल मिले क्या? नहीं नहीं, बारोट जी दो लोग थे गुजरात से, अलका में, अलका थी और बारोट गुजरात से, इन सब पार्टियों के थे और सब मिलकर हम गए थे। ऐसा स्वागत हुआ कि जैसे कोई प्रधानमंत्री का होता है, यानी इसका मतलब ये कि इतना प्रेम है उनके दिल में, वो चाहते हैं कि अच्छे संबंध बने, लड़ाई झगड़े ख़त्म हो, खूब मिलना जुलना, आना जाना आसान हो, ये चाहते हर जगह हर एक ने देखा। सब पार्टी वालों ने हमारे सम्मान में भोज दिए, दावतें दी, इतनी बड़ी बड़ी दावतें कि हम तो हैरान, हमने कहा भाई हम है कौन, और ये ऐसा इंतज़ाम। जो उनके एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, उस वक्त जनरल मुशर्रफ बाहर गए थे, तो जो एक्टिंग प्रेसिडेंट थे उन्होंने हमारे सम्मान में इतनी बड़ी दावत दी अपने फार्म हाउस पर कि हम तो देख के ही क्या कहें, बहुत ही हमको संकोच हुआ कि हम है कौन, हम तो साधारण है लोग। लेकिन इसका मतलब, और हर पार्टी वालों एक दूसरे के खिलाफ है, लेकिन हमारा स्वागत सब ने अलग अलग ढंग से किया। तो ये आज दोनों देशों में हवा बनाने की ज़रूरत है कि जितनी हिंद पाक दोस्ती जनता के स्तर पर हो। बल्कि 2 साल पहले जब जनरल मुशर्रफ यहाँ आए थे तो प्रधानमंत्री ने जो दावत दी थी उसमें वो बोले कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स हैव हेल्प्ड दिस पीस प्रोसेस, पीपल हैव गॉन फॉरवर्ड एंड वी आर फॉलोइंग द पीपल। ये खुद बोले कि लोगों ने जो काम किया हम उनके पीछे जा रहे हैं, ये लोगों ने, हम सारे लोगों ने जो किया उसका असर हुआ है, ये उन्होंने दावत में अपने स्पीच में, और हमारे लिए भी कह दिया। मुझे तो सुनाई कम दे रहा था, मुझे वैसे भी देता है कम, तो मैंने नहीं सुना, मुझे बाद में लोगों ने कहा, कहे आती है निर्मला जी हमारे यहाँ और हमको कुछ बताती है, ये करना है, जो वो बताती है हम करते हैं। मुझे तो इतना संकोच हुआ, मैंने कहा मैं क्या बताती हूँ, पर यानी हम अच्छी बात बोलते हैं, भाईचारे की, अमन की। सबसे पहले जब हमने 2000 में आप लोगों के साथ गए थे, उससे 1 साल पहले महिलाओं के साथ गए थे, तब हमने उनसे कहा कि हमारा एक नारा है, गोली नहीं बोली चाहिए। तो जनरल मुशर्रफ ने ऐसा हाथ खड़ा किया, आई एम विथ यू, मैंने कहा थैंक यू। तो ये चीज़ें हमें लोगों को सुनानी चाहिए, ये तो जो हुआ है, अब हम कोई उपन्यास कहानी तो नहीं बता रहे, जो सच हुआ है वो बता रहे हैं, तो ये सब बताना चाहिए। और मिलकर ये जो क्या कहते हैं एनिमी,
दुश्मन ये शब्द को हटा देना चाहिए। कभी ये नहीं कहना चाहिए अरे वो हमारे पड़ोसी है, हमसाए है, दुश्मन नहीं, पड़ोस में रह। इसीलिए मैंने कहा कि वो उस दिन जरा ज़्यादा करो, ईसा मसीह के दिन पड़ोसी पर अपने जैसा प्यार करो। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है तो पड़ोसी से तो प्यार ही करना चाहिए। पड़ोसी दुश्मन हो सकता है लेकिन अभी भी हमारे देश में ऐसी मानसिकता है कि पाकिस्तान को दुश्मन मानते हैं। इस मानसिकता को मिटाना इसके लिए हमको ये सारी बातें बता रही हैं कि वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, वहाँ के लोग कितनी खातिर करते हैं, कितना प्यार करते हैं, कैसा मेलजोल हमारे साथ है, सब बताना चाहिए। हम वो इस्लामाबाद के पास एक पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर से रात में बहुत सुंदर दिखता है शहर जगमगाता। तो रात में वो डिनर ख़त्म हुआ 11 बजे, हमारे दोस्तों ने कहा जो MPs थे चलो ऊपर ले जाएंगे, तो हमको ऊपर ले गए वो पहाड़ी के ऊपर। वहाँ एक रेस्टोरेंट बना है तो हमने कभी अभी तो सब खाना खा के आए, नहीं नहीं चाय कॉफ़ी तो पियेंगे, बैठ गए वहाँ। उतने में रेस्टोरेंट का मालिक आया और हमारे वो दोस्त थे उनसे पूछा इंडिया से लोग आए कि हाँ, तो आज हमारी तरफ से जो वो खाना चाहे खाए, आप पैसा नहीं देंगे, कोई हमारा उनसे संपर्क नहीं, कुछ नहीं, इंडिया से आए हम खिलाएंगे। ऐसा आम लोगों में जो है भावना ये बतानी चाहिए सब। तो इसलिए दुश्मन शब्द हटाना है। भाई पड़ोसी है, कौन है पाकिस्तान, पड़ोसी। तो दुश्मन की भावना को हटाना हम लोगों का काम खास। और गांधी जी की बात आपको मालूम होगी कि गांधी जी दिल्ली के बाद सेवाग्राम जा रहे थे, जहां एक सब कार्यकर्ताओं को बुलाया था रचनात्मक, और वहां से कराची जाने वाले थे। पूरा प्रोग्राम बन गया था, उन्होंने कहा दिल जोड़ने के लिए जा रहा हूं। देश दो बन गए, बन गए तो दिल तो जुड़े रहे, प्रेम तो बना रहे, इसके लिए जा रहे थे, दिल्ली से बाहर जा नहीं सके। तो इसको याद करना है कि ये गांधी जी का अधूरा काम है दिलों को जोड़ने का, उसको हमें पूरा करना है। इसी के साथ दो एक बातें कह के मैं समाप्त करूंगी। दूसरा पड़ोसी चीन, फिर किसी से बात करो अरे वो तो बहुत बड़ा दुश्मन है, अब उनसे पूछो अभी चीन के एक बहुत बड़े मंदिर के सबसे बड़े हाई प्रीस्ट लेके आए क्या डेलीगेशन, कौन सा मंदिर, हिंदुस्तान के 3री सदी में कश्मीर के प्रधानमंत्री के बेटे थे कुमार जीव, वो वहाँ जाके उन्होंने चीन में अपना पूरा जीवन लगा दिया बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए, और सब बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। तो चीनी लोग उनको इतना मानते हैं कि बुद्ध भगवान के बाद कुमार जीव को मानते हैं। अब बुद्ध भगवान भी इसी देश के, कुमार जीव भी इसी देश के, तो इस देश के लिए चीनी भाषा में ये है वेस्टर्न हेवन, उनके पश्चिम में है हम, पश्चिमी स्वर्ग, भारत स्वर्ग है जहाँ बुद्ध पैदा हुए। और वो कुमार जीव के मंदिर के प्रमुख पुजारी डेलीगेशन लेके आए यहाँ, हमने हमारे लामा जी का अशोक मिशन में उनका स्वागत वगैरह किया, इतने गदगद हो गए कि भारत तो हमारे लिए तीर्थ है। यहाँ से बोधगया गए, राजगीर गए, और राजगीर में जो पहाड़ी के ऊपर जो है ना रुद्रकूट पर्वत, वहाँ बुद्ध भगवान ने जो लोटस सूत्र कहते हैं उसको प्रज्ञा पारमिता सूत्र, वो
वहाँ भगवान ने सुनाया था, उसके 1600 साल पूरे हो रहे हैं उसके अनुवाद के, इसलिए यात्रा करने आए और गए राजगीर, खूब ध्यान पूजा की। कौन? चीन के बड़े मजदूर बेचारा सभी दिन काम करेगा, लेकिन बाबू लोग बड़े लोग छुट्टी क्यों? तो सवाल उठाना पड़ेगा। क्यों तो पूछो। तो फिर दीदी उसके लिए लेबर डे करना होगा क्या? लेबर डे में वो सवाल उठाने सर। अरे लेबर डे में कोई मजदूर को छुट्टी नहीं मिलती, सब खाली नेता लोग ही मनाते हैं लेबर डे। No, first we'll start with Gandhi Jayanti since we are doing this thing. Followed by that, maybe other days also, as Didi said, for Buddha Purnima. Symbolical. No, start on that day the question of why. Gandhi Jayanti par jyada kaam karna. अपना हमेशा का काम तो करना ही है, इसके साथ और अतिरिक्त maybe on that day Didi, to set the motion what we are deciding, maybe we should start right from the morning till evening to work. छुट्टी चालू हो गया तब से ऐसा समझ में आ रहा है ऐसे कितने वीक्स आते हैं जिसमें 5 डेज छुट्टी होती है, हफ्ते में 5 दिन छुट्टी, कैसे चलेगा देश? बहुत गलत काम किया है, सबको निकम्मा ही बना के रखा दीदी। उनको तर्क दिया गया था राजीव गांधी जी को कि अगर सैटरडे को अधिकतर लोग संडे के चक्कर में दोपहर में ही भाग जाते हैं, ये उनको इंटरनल रिपोर्ट दिया गया था। तो और उस दिन आपका इलेक्ट्रिसिटी खर्च होता है, उस दिन एसी आपका चलता है, उस दिन पेट्रोल ऑफिसर, ये सब उनको दिया गया था। ऑफिसर जो गाड़ी में बैठ के आते हैं उस दिन का पेट्रोल का खर्च, वो यहीं से चले जाते हैं अपने घर चले जाते हैं गाड़ी लेकर के, वो पेट्रोल खर्च होता है। व्हाट नो पार्ट ऑफ दिस दे 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 हैव सैटरडे संडे दे हैव कैशुअल लीव दे हैव सिक लीव दे हैव यंग फैसिलिटीज टू बाबू व्हिच कैन बी एंड कैश। सवाल ये है कि ऐसा देश बनाना चाहते हैं निकलों का काम करने वाला, इस पर हमें देश के देखो जापान में वो लोग हड़ताल करते हैं, काम नहीं रोकते, काली पट्टी बांधते हैं, काम नहीं रोकते। हमारे यहाँ हड़ताल यानी हिंदुस्तान में काम को छोड़ने की ऐसी कुछ एक मानसिकता बनती जा रही है, इसको बदलना जरूर है, बहुत जरूरी, एकदम निठल्लों का देश बन जाएगा। नेता बने और आजादी के लिए काम करें और करेंगे या मरेंगे, तो ये जो था उनका, अब हर व्यक्ति अपना नेता बनकर काम करे, किसी दूसरे को मत देखो, कोई नेता तो नहीं, कोई नेता नहीं। इन कार्यक्रम क्या बनाए बैकग्राउंड थिंक ऑफ इट नहीं, जो सारे पालन होगा सारे कंट्री में। गांधी जी ने क्या कहा था उस दिन अगस्त क्रांति की क्या पृष्ठभूमि थी? गांधी जी कहे थे कि भारत का बच्चा बच्चा गांधी है, करो या मरो आजादी या मौत। उस दिन का गांधी जी के बारे में है, उन दिन उनके ललाट से जो दीदी विमान को इतिहासकार ने लिखा है, अद्भुत तेज झलक रहा था जब उन्होंने किया था। शुरू करो दुश्मन पर भी प्यार करो, ये बहुत जरूरी है, या पड़ोसी पर प्यार करो अपने जैसे, हाँ ये अपने जैसे बड़ा जरूरी है, पड़ोसी पर अपना जैसा, अपने जैसा, पड़ोसी पर अपने जैसा प्यार करो, लव दाय नेबर एज दाय सेल्फ।
प्रेम दिवस आ गया प्रेम दिवस आ गया प्रेम क्रिसमस डे सो दे आर थिंकिंग दिस वी कैन बी मेड एज अ वैलेंटाइन डे क्रिसमस डे तो है ही उसका नुकरा गया अपने हां आपके जो कर मेन इस पड़ोसी पर अपने जैसा प्यार करो अब पड़ोसी अपने घर का भी और पड़ोसी देश का भी क्या करें उस दिन अपने घर में जो सब्जी बने वो पड़ोसी घर में देखे नहीं 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 ये भी था अब उसके घर में जो बने तो अपने घर में ऐसे किसी के यहाँ हम स्वयं जाते हैं ज़रूर असर वो गांधी जी की कहानी कल बताई थी मैंने तो ये सब हो गया इसमें जो और भी करना है ये फिर दोपहर में नीता और एक बात सुनिए एक कुछ खिलाए नहीं नहीं घर पे देखिए ये धान्य साहब अब रिटायर होके रचनात्मक ज्वाइन करने वाले वाह आपका स्वागत एक कुछ खिलाए नहीं नहीं अभी शरबत खाना शरबत खाना खा के जाइए अरे नूनो सब पेड़ा खिला रहे हैं भैंसे भाई वाला खाया हमने बस बन गया मैं दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में सेवा का काम करता हूँ दुनिया के सारे लोग खुश रहना चाहते हैं और कई बार अपनी खुशी के लिए दूसरों को हम दुखी कर देते हैं हमारी कोशिश है कि सबके सामने